यहाँ से भावली वाटरफॉल जा रहे हैं हम लोग, कुछ अराउंड 1 घंटे के आसपास है, 39 किलोमीटर। फिर वहाँ से ही हम लोग इगतपुरी कनेक्ट करेंगे और मुंबई के लिए चलेंगे। सो राइट नाउ टाइम हो रहा है 11:44। अभी पहुँच चुके हैं ऐसे पॉइंट पे। ये जो रोड है, ये जो चेक पोस्ट है, यहाँ से अगर हम लोग सीधा चले जाएंगे तो घोटी के लिए चले जाएंगे। और ये रोड एक है जो इगतपुरी लेके जाता है। सो आई रिकमेंड कि अगर आप लोग घोटी से आ रहे हैं तो जाते टाइम ये रोड से जाएं। मैप चालू करके रखें क्योंकि जो वाटरफॉल और ये जो रोड है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रोड है, घोटी से भी ज़्यादा ये रोड है। तो बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि हाईवे पे कहाँ पे राइट टर्न लेना है ये पता नहीं चलता इगतपुरी में। अगर आप ये साइड में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये रोड चूज़ कीजिए। रोड मुझे अभी तक तो अच्छा दिख रहा है। मैं लास्ट टाइम मैंने जब सांदन वैली ट्रैक जब करने के लिए यहाँ पे आया था तो वो टाइम पे ये रोड से आया था। बहुत खूबसूरत रोड है, आगे जाके लेक भी लगेगा, वाटरफॉल, छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज रहते हैं छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत है। चलते चलते हम लोग सब देखेंगे। अभी पता नहीं अभी कैसे होगा, बट लेट्स सी। ब्रह्मदेवाचं याचं तोंड ना, आता ब्रह्मदेवाचं तोंडासारखं दिसतं ना ते ना, चारी साईडने त्याच्या फॉग आहे। जो रोड रहते हैं ना उसको इतना खूबसूरत व्यू मिलता है यहाँ से, बट उनको आदत रहेगी इसके लिए इतना मुझे लगता नहीं है। बट जैसे हम लोग कभी कभी यहाँ पे आते हैं तो दिस मेजर इज रियली ऑसम। बारिश स्टार्ट हो गई है, भंडारदरा जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे पूरा सूखा था, ज़्यादा बारिश नहीं थी। बट जैसे हम लोग अभी इगतपुरी के पास जा रहे हैं बारिश बहुत ज़ोरों से स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ज़ोरों से स्टार्ट हो गई है। तो मज़ा आएगा अभी बारिश में राइड करते करते। ये रोड बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है कि ये रोड से भी भंडारदरा जा सकते हैं। तो इगतपुरी इज राइट नाउ 21 किलोमीटर, और ये अम्बेवाड़ी करके जो प्लेस है ये आजू बाजू में है। तो डू ट्रैवल थ्रू दिस रोड, ये बहुत खूबसूरत रोड है। हरियाली पूरा एकदम ग्रीनरी के बीच से ये रोड जाता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बट यस, घाट सेक्शन है पूरा ये, और रोड बस इतना ही है, वन वे ही है, सॉरी सिंगल लेन है और दोनों के लिए। अभी बहुत बड़े माउंटेन्स हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। छोटी सी वैली दिख रही है वहाँ पे, छोटी सी वैली दिख रही है वहाँ पे, आई होप फोटो में दिख रही होगी, बट वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं यहाँ से आज ट्रैवल कर रहा हूँ। आते टाइम अगर मैं आता तो शायद बारिश नहीं मिलती, तो ये जो खूबसूरत व्यू मुझे मिला है यहाँ पर। ये रोड भी कितना सही है, ये सीमेंट का रोड बनाया है उन लोगों ने और पूरा एकदम पिंच है, बेंड से यहाँ पे एस बेंड से, बाप रे इतना सही है रोड।
तो ये नीचे एक बड़ा वाटरफॉल है, फ्लो बहुत ही तेज़ है यहाँ पे, यहाँ से भी एक रिवर आ रही है, तो देखने के लिए बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रुकते नहीं, और मेरी GoPro की बैटरी भी बहुत ही कम है, तो मुझे कहीं रुक के उसे चेंज करना है। तो बाइक यहाँ पे पार्क कर दी हम लोगों ने मेरे रोड पे ही, सो वहाँ पे मैं रुका हुआ था एंड मैं सोचा कि चलो ज़रा नीचे जा के देख लेते, क्योंकि एक दूसरा वाटरफॉल भी मुझे दिख रहा है। तो बराबर बाइक साइड में एंड लेट्स मूव। तो बाइक वहाँ पे थी एंड ये वाटरफॉल है, लोग नीचे उतरे हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा है, जैसे बीच वाला सेक्शन है बहुत ज़्यादा फ्लो है और यहाँ पे थोड़ा कम है, लोग नीचे उतरे, वहाँ से रोड है, वहाँ से रोड ऐसे पीछे जाके नीचे उतरता है। हम लोग नीचे ने, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ अभी, बट यस आप जा सकते हो, डीप है थोड़ा और कमर पर पानी है, सो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये वाले रूट से एक बार आना, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल लगते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाटरफॉल अभी लगा फ्रॉम बंजारदारा साइड से, तो इगतपुरी से आ रहे हैं तो ये शायद दूसरा रहेगा, इससे पहले भी एक वाटरफॉल आता है वो भी शायद देखेंगे हम लोग, और एक बहुत बड़ा लेक लगता है वो भी देखेंगे। राइट नाउ इट इज सो मच ब्यूटीफुल, डू विजिट दिस प्लेस एंड ये साइड से एक बार ट्रैवल कीजिए। छोटी साइड से जो वाटरफॉल लगते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, आपको गाड़ी छोड़ के बहुत दूर तक चला जाना पड़ता है, बट ये जो वाटरफॉल है देखिए बाइक बराबर वहाँ पे है और वाटरफॉल एकदम सामने है मेरे, नीचे नहीं जा सकते बट देखने के लिए बहुत पास। तो लेट्स गो टू द बाइक, बैटरी मैंने चेंज कर दी है, इससे पहले मैंने शूट किया था बट प्रॉब्लम वो हो गया कि वो उल्टा आ गया, अपने उल्टे को वापस बराबर करना पता नहीं मुझे कैसे, सो वापस मैं ये शूट कर रहा हूँ एंड ऊपर देखिए ऊपर पूरे फॉग है, ऊपर पूरा फॉग है, बारिश बहुत जोर से हो रही है, यहाँ पे भी फॉग है, पीछे बहुत बड़े बड़े माउंटेन से बहुत वो दिख नहीं रहे अभी यहाँ से, वहाँ पे माउंटेन से वो भी दिख नहीं रहे थे, अभी थोड़े थोड़े दिखना स्टार्ट हो गए, हवा बहुत ऊपर तेज़ है। सो ये हम लोग आ गए बाइक पे एंड लेट्स कंटिन्यू आवर राइड। ये साइड जाना है, बहुत ही खूबसूरत व्यू, क्योंकि सामने पूरे वाटरफॉल्स है और माउंटेन्स दिख रहे हैं क्लाउड्स में से, अनदर वाटरफॉल जो रोड के बराबर बाजू में ही है। एक फोटो काटते हैं, मस्त है ना, और यहाँ पे ये आई थिंक पहाड़ी थोड़े से फूल बेच रहे हैं ये, वैसे ये रोड पे वाटरफॉल्स बहुत लगते हैं आजू बाजू में, आई थिंक जो तामिणी में भी ऐसे ही है, वाटरफॉल्स बहुत लगते हैं, बराबर रोड के बराबर बाजू में ही रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा रिवर है, सो बीच में चेकिंग चल रही थी, बीच में चेकिंग पुलिस चेकिंग चल रही थी, तो इट्स बेटर कि आप अगर ये वीडियो देख के भंडारदरा प्लान कर रहे हो तो आप घोटी से आके फिर ये रोड से आप वापस चले जाइए, शायद हो सकता है कि ये रोड से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ना जाने दे, क्योंकि मैं जैसे अभी ये रोड से वापस जा रहा हूँ मुझे तो कुछ रुका नहीं, बट कुछ लोग
कुछ बच्चे बाइक्स वगैरह लेके आ रहे थे जो विदाउट हेलमेट और ट्रिपल सीट थे, जो जिनके फोटोज वगैरह ले रहे थे। सो मेक श्योर कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो प्रॉपर गेयर होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, जैकेट वगैरह कुछ भी उनको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि बराबर नहीं है, नहीं तो आपको वो रुका के वापस भेज देंगे। और जैसे मैंने पहले बोला, आप आइए कोटी साइड से आइए और जाते टाइम ये साइड से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बराबर जहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट था उसके बाजू में ही बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था, मैं रुक नहीं पाया क्योंकि पुलिस चेकिंग चालू था वहाँ पे। मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत डैम लेक, ओवर्स किचन होटल है, रेस्टोरेंट है, चल जाओ खा लिया। अभी जो रोड है वो पूरा लेक के बाजू से जाएगा और लेफ्ट साइड में ये लेक है और राइट हैंड साइड में वाटरफॉल्स लगेंगे अभी छोटे छोटे। साइड में लेक होता है और वाटरफॉल्स रहते हैं, देखिए ये छोटे छोटे वाटरफॉल्स। पूरा रोड असल साइड नहीं जाते डैम, चिपट चिपट समर पड़े मोटा मोटा। देखो कितने वर्दू ने तो है, एकदम सोचते पुलिस वाले हो गए। एक फोटो काट दो, फोटो काट दिया। कितने सुंदर है ना फोटो, उसका फोटो काट दो। आगे छोटे छोटे लेकिन बड़ा वाला बहुत आगे। एक फोटो एंड निगुन जाता, एक फोटो, एक फोटो। थैंक यू। वाह ये बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। हाँ वीडियो काट दो ना, कितनी सुंदर है। और एक वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल ये ऊपर और बहुत ऊंचा है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी पुलिस वाले हैं, एक लगे फोटो काटूंगे, वो सामने ही है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऊटी साइड से भंडारदारा जाए और फिर ये साइड से इगतपुरी के लिए वापस चले जाए, क्योंकि बहुत जो भी मेन वाटरफॉल्स है, बड़े बड़े वाटरफॉल्स है, वहाँ पर पुलिस है जो वहाँ पर रुकने नहीं दे रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि नहीं तो भीड़ हो जाएगी। सुंदर है ना, तो अभी हम
तो हम लोग खाने के लिए रुकेंगे क्योंकि 1:37 हो चुका है अभी और बहुत जोरों से भूख लगा है। 1:37 मतलब 1:30 बज गया। तो इगतपुरी में ही जो भी हाईवे पे अच्छा होटल दिखेगा तो वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। इगतपुरी हाईवे तो जाते टाइम ये रोड पे कुछ समझा नहीं था, बट आते टाइम खराब है तो सारी चीज़ें एक ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगी। रोड यहाँ से बंद कर दिया था ना, इसके लिए केवल एंट्रेंस पता नहीं चला। इसे एक मोटा वॉटरफॉल है, घाटा मध्य है ना पूर्ण, हाँ एक वॉटरफॉल है। पहुँच चुके हैं हमारे फेवरेट होटल भाटसा, यहाँ पे लंच करेंगे। बीच में कुछ मिल ही नहीं रहा था, सब कुछ वेज था, इसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि घर पे जाके खाए, बट फाइनली क्रॉस किया। बारिश कुछ भी नहीं है, तो लाइफ में मैंने इतने हेवी रेन में कभी बाइक नहीं चलाई थी, तो आज एक कुछ नया बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिला है। और बाइक ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में थोड़ा सा बंद हो रहा है, यहाँ पे तो पूरा सूखा है। एंड वी रीच होम। बहुत ही लंबी और बहुत ऑसम और एडवेंचरस राइड आज की थी। बीच का जो पैच आपने देखा रहेगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब इतनी बारिश हो गई थी, मैंने लाइफ में इतनी बारिश में कभी इतने देर तक बाइक नहीं चले। अराउंड 40-50 किलोमीटर्स बहुत ही ज़्यादा हेवी रेन में मैंने बाइक चलाई आज, और उससे पहले भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बारिश हो रही थी। और जैसे कल्याण के पहले वाला टोल नाका क्रॉस किया, एकदम ऐसे सब कुछ पलट गया, और सरप्राइजिंगली रोड पूरा सूखा हुआ था, इवन धूप गिर रही थी। एंड जैसे हम लोगों ने ठाणा में एंटर किया, वापस हेवी रेन स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि रात से, मतलब कल शाम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मेरे कान भी खुल नहीं रहे बराबर से, मुझे भी मेरा खुद का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। सो विद दैट सेड गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस भंडार धारा एडवेंचरस राइड एंड होप यू लाइक इट। सो अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे, कि आज का वीडियो बहुत आई थिंक लंबा हो गया रहेगा। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, and like, share, subscribe this channel. If you haven't subscribed, do subscribe. ऐसे बहुत awesome videos आते हैं, मैं mostly try करूँगा कि ये videos एकदम raw रहे, ज़्यादा music ना रहे, बस अगर बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज़ आप तक पहुँचे, आप वो feel करें जो मैं bike चलाते time feel कर रहा था। बहुत बात कर लिया, bye, and I will see you in the next video.